प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2014 में सर्वाधिक किसान आत्महत्याग्रस्त यवतमाल जिले के दाभाड़ी गांव में चाय पर चर्चा कार्यक्रम में आए थे। उस समय किसानों से कई वादे किए, 10 साल में वादे पूरे नहीं हुए। बुधवार 28 फरवरी को फिर यवतमाल दौरे पर आ रहे हैं। अब तो किसानों को दिलासा दो। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट प्रवक्ता तथा महाराष्ट्र कृषि मिशन के पूर्वाध्यक्ष किशोर तिवारी ने पत्र परिषद में प्रधानमंत्री से यह गुहार लगाई। तिवारी ने कहा कि खेती का खर्च दो गुना बढ़ गया है। किसानों की सरकार फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दे रही है। कपास सोयाबीन के दाम गिर गए हैं। केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी CCI और नाफेड खरीदी के लिए तैयार नहीं है। गिने चुने केंद्र खोलकर किसानों का भद्दा मजाक उड़ाया जा रहा है। शिक्षा व स्वास्थ्य पर खर्च तीन गुना बढ़ गया है। महंगाई ने आम इंसान की कमर तोड़ कर रख दी है। पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। कदम कदम पर भ्रष्टाचार है। प्रधानमंत्री इस गंभीर विषय पर कब मुंह खोलेंगे यह सवाल किया। अन्न सुरक्षेच्या बाबतीत माझा एक व्हिडिओ आहे। लोकांना अन्न सुरक्षा मिळत नाहीये, लोकांना वंचित ठेवलं जात आहे। पण मोदींचं सरकारमध्ये कमीत कमी त्यांनी 80% लोकांना अन्न सुरक्षा देणारं हे भारत एकमेव राष्ट्र आहे। ही चांगली गोष्ट आहे। मोदींनी जे काही प्रयत्न केले मी चांगले बघतो, पण ग्रामीण आणि कृषीच्या संबंधी त्यांचा फोकस चुकला असं मला वाटतं। मी पुन्हा एकदा तुमच्याशी मिळणार आणि अर्थसंकल्पातून दिलेला पैसा विदर्भ मराठवाड्याला कसा मिळाला नाही याचं देणार। आज विदर्भात नेतृत्व आहे। यवतमाळ जिल्हा बघा, सगळे भाजपचे आमदार आहेत, 10 वर्षापासून निवडून देत आहे, पण आता मंत्री केलं नाही, काही नाही काही नाही। बिचारे आपल्या टक्केवारीत चालू आहे, त्यांनी जे काही चालू आहे। म्हणजे मला काय बोलायचं आहे की आम्हाला मोदीचा विरोध करायचा नाही, परंतु आम्ही एक कार्यक्रम दिलेला आहे की तुम्ही जे आश्वासन दिले आहे ते पूर्ण करा। आणि यासाठी उद्याला मोदीजी येत आहे, त्याच्या पूर्वसंध्येला मी तुमच्या मार्फत निरोप देत आहे की याच्यावर बोला म्हणून। आता मोदी येतील, बाबा आपण 500 वर्षापासून लढा होता, मी राम मंदिर बांधलं, हे केलं ते केलं। अरे अन्नदाता उपाशी मरत आहे, त्याचं काय करणार? अन्न सुरक्षा मी लागू केली होती या मागच्या राज्य सरकारमध्ये। मी कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकरी अन्न उपजत नाही म्हणून मी अन्न सुरक्षा सुरू केली होती। तिवारी ने बताया कि अप्रैल 2014 से दिसंबर 2023 दरमियान महाराष्ट्र में 32,416 किसानों ने आत्महत्या कर मौत को गले लगाया। अब युवाओं की आत्महत्या का प्रमाण बढ़ रहा है। प्रतिदिन 8 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। साल 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने दी गारंटी पर बोलना चाहिए। यवतमाल जिले से 2024 का चुनावी बिगुल फूंकते हुए वास्तविकता पर भी बोलने की उन्होंने मांग की। उत्तर भारत में चल रहे किसान आंदोलन पर प्रधानमंत्री ने मुंह नहीं खोलने की टिप्पणी की। किसानों को दिल्ली जाने से रोककर आंसू गैस छोड़ने, लाठीचार्ज, बेदम पिटाई की जा रही है। इससे बड़ी शोकांति का क्या हो सकती है? यवतमाल दौरे पर आ रहे प्रधानमंत्री से मिलने की अनुमति मांगी जाने की उन्होंने जानकारी दी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।